हेलो सलाम फ्रेंड्स, इट्स योर शहरोज। दोस्तों मैं इस वक्त गाड़ी स्टार्ट की हुई अपनी, आप लोग देख सकते हो यार। बाकी ये है कि मेरा जिम वाला सीन चल रहा है, तो शाम को इंशाल्लाह उसका ब्लॉग अलग आ जाएगा। लेकिन ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा आपको मेरी स्पाइटी का टूर कराए थे थोड़ा सा एटलीस्ट, ताकि ना एक चलो एक मेरे पास एक कॉन्टेंट भी आ जाएगा ऐसी बहाने जिन्होंने स्वाइटी कल को आना चाह रहे हैं या फिर उनके लिए भला भी हो जाएगा। आज मैं कोशिश करूँगा सिर्फ अपना A1 ब्लॉग दिखाऊँ, सॉरी A ब्लॉग जहाँ मैं खुद रहता हूँ, और इंशाल्लाह फिर ऐसे करके पूरा टूर करूँगा आपको। चलो यार चलते हैं इंशाल्लाह। भाई साहब गाड़ी रिवर्स करें, कैमरा पकड़ के गाड़ी रिवर्स करना, गाड़ी हैंडल करना भी यार एक काम है, लिटरली स्टैंड होना ज़रूरी है। कल मैं जिम जाकर ना कुछ लोगों को मैं कह रहा था, आप लोग व्लॉग में देख लो कि छोटे छोटे शायद मैं कट भी कर लूँ, कि यार कैमरा संभाल लो, ये कर लो वो कर लो, कैमरा सेट कहाँ करना है, बेंच प्रेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यार हर बंदा ना बिजी होता है, कौन करेगा इस तरह। तो मुझे वहाँ पे जिम का उन्होंने मशवरा दिया, वो यंग लड़का यार माशाल्लाह उसका जिम है अपना, कि भाई तू स्टैंड ले ले। तो मैं कोशिश है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए 1500 वाली, स्टैंड ले लिया जाए एक, ताकि ना जिम में जो प्रॉपर जो 6 मंथ्स का प्रोग्राम है ना, जो कंसिस्टेंसी के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है खैर से यार, यार ये बंद कर ले यार। अब्दुल्ला थैंक यू, अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं बंद करने के लिए। एक सेकंड यार, ये कैमरे को क्या हो गया है ये चीज, सॉरी यार वो एकदम हो गया था। चलो यार ठीक है यार, मैं अब दूसरे हाथ से कैमरा संभाल रहा हूँ, ताकि ना आप लोगों को सोसाइटी का टूर कराया जाए, साथ साथ मैं बोलता रहूँगा। बाकी यार मैं तो मेरा मुँह यही है, जितना मर्जी कैमरा सामने रहे ठीक है, चलो देखते रहो साथ साथ। वो खैर गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई यार, बहरहाल आई थी अलाइनमेंट वो टेढ़ी हुई है यार। ये मेरी मेन रोड है जहाँ मेरा घर है, घर से हम लेफ्ट मुड़ते हैं, राइट मुड़ते हैं, तो ये मेन रोड है। ये आसपास कुछ और भी ब्लॉक्स हैं, ये जब से मैं सोसाइटी में आऊँ या साल डेढ़ साल से मैं देख रहा हूँ ये मशीन यहीं खड़ी है। एनीवेज मेरा जो फोकस है वो ऑब्वियसली ड्राइविंग की तरफ रखना है, इस तरह मुश्किल हो जाता है कैमरा की तरफ देखना साथ में, और साथ में कि भाई आ रहे हैं या नहीं, फ्रेम में आ रहा है या नहीं। जो भी सोसाइटी में एंटर होगा थर्ड गेट से ए ब्लॉक से, उसकी एंट्रेंस ये सामने से शुरू होती है। पहले मैं आपको एंटर से एंटर कराता हूँ इंशाल्लाह, फिर ये बाटा बूटा ये वो फलाना ढमकाना जो जो भी सोसाइटी में अपन हुआ, सिनेमा है, कुछ ना कुछ चेन्स हैं, ब्रांड्स हैं, एक आधा ब्रांड आई थिंक यू जर्सी के नाम से वो भी दिखाऊंगा। स्प्राइट में गोरमे हैं, बेकरीज हैं, लेकिन ना वहाँ से आते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह इसको टूर मारते हैं। और भाई वे क्या लुक मार रहा है मुझे ये, भाई व्लॉग में आ गया तुम्हें। सुना है मैंने कि यार ये कोई जिम जुम बन रहा है हाई क्लास किस्म का, बट अगेन मुझे उसके डिज़ाइन से लग नहीं रहा, बट अगेन पता कोई नहीं यार, अल्लाह करे कुछ सीन पार्ट हो। ये भाइयों और बहनों कोई भी नहीं है दोस्तों। यार ये फिरोजपुर रोड है जो कि बन रही है, कुछ कुछ बन गई है, कुछ कुछ बन रही है, तो इसकी वजह से ना ट्रैफिक वन वे हुई है इस वक्त। काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए मैं इस तरह घर से बाहर नहीं निकला। मैं लास्ट वीक आया हूँ, मंडे को लाहौर आया हूँ, पेशावर गए हुए थे हम, उसके बाद मैं इस तरह मेन रोड पे नहीं निकला। चला संडे को जाना है अपने बहरिया दादू वगैरह की तरफ, तो तब निकलेंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल है, रोड कहाँ तक बन गई है और वो कौन साइड पर ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन वन वे है फिलहाल। और यार ये सोसाइटी का एड्रेस है, ये चलता है, ये आजकल बंद हो गया है, और ये आप यहाँ से A1 में एंटर होंगे, यू टर्न है, यू टर्न से आप आ जाइएगा, और ना कि जो मेन जो सोसाइटी के मेन रोड है वो बहुत दूर है, मतलब फासला है एट दी एंड। जिसने ए ब्लॉक में एंटर होना है वो यहाँ से एंटर हो, बहुत बड़ा शॉर्टकट है ये। आपके लेफ्ट पे आ जाती है ट्रेस्टिक बेकरी, ये है ट्रेस्टिक, अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी सलाम दो एक साथ, सौदा लेने आओ तो 10 मिनट बैठना पड़ता है यहाँ पे। आंटी जी हैं, ऑनर हैं, और इसके अलावा ये आ गई गोरमे, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं यार बोर हो जाएगी इस तरह। ये आ गई बुंदू खान, ये जी हमारी सोसाइटी की खूबसूरत और वन एंड ओनली बेकरीज हैं, बट स्वीट भी है वो उस तरफ है, वो मेन की तरफ है। आई होप के अगेन यार मसले बड़े हैं, कैमरे में फिट आ रहा हूँ या नहीं, और ना भी आ रहे हो खैर है यार, मकसद पूरा हो यार। ये हमारी सोसाइटी का न्यू गोलचक्कर बना है, ये इसमें कोई आपशॉट समथिंग सीन है, तो
देख सकते हो अभी जो गोल सारे वो फ्लावर बना हुआ है, लेकिन ना ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। और ये आप मेन रोड पे चलते हो, वो वाली मेन वो हमारे घर की तरफ जा रही है, ये मेन है जो कमर्शियल की तरफ जा रही है, राइट साइड में जो आ रहा है वो कमर्शियल की तरफ है, ये लेफ्ट पे शॉप्स आ रही हैं जो सामान सामान लेना हो प्रॉपर्टी का हो, ये कोई न्यू प्लाजा बन रहा है। राइट पे एक आधा घर ही है, ये भी एक स्कीम है, ब्लॉक आई थिंक एक ही होगा, वो ए ब्लॉक ही है। ये HBL बैंक है, ये HBL बैंक आ गया। सॉरी यार मैं कैमरा इसलिए संभाल रहा हूँ। और ये कुछ खोखा खोखा नीचे से क्लब है, ये आइसलैंड हो गया और स्टोर्स वगैरह हो गए। ये है न्यू जर्सी कोई ब्रांड है, लड़कियों का है मोस्टली। और यार ये कोई देसी दूसी था, ये डेंटिस्ट हैं, कभी ना आना यहाँ पे, सीधी बात है। इसके नीचे क्लब है, वहाँ आ जाना। अमीर सन्स हैं, ये कोई ऊपर कैफे कोफे है, कभी अमीर मैं यहाँ नहीं गया भाई, ने मार्केटिंग नहीं की यार, पता नहीं चला। ये यार बाटा है, मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, इन लोगों से परमिशन लेते हैं, अगर माइंड ना करेंगे लोग तो बना लेते हैं। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, परमिशन ले लेते हैं कि अलाउ करेंगे या नहीं। बाकी से मैं गाड़ी बंद कर दूँ बस यार, सच में मुश्किल काम है यार, जो भी करते हैं हिम्मत वाला काम है उनका। ओए गुड दोस्तों, यार मैं इस टाइम बाटा में आ चुका हूँ। असल में नई नई लॉन्च आई है ना, बंदे को थोड़ा बहुत झिझक होती है, लेकिन यार काम करने से ही काम आता है। ये जनाब मैनेजर साहब हैं, ये शूज़ हैं। अस्सलाम जनाब, ये ना बाटा ने ये कब ओपन हुई है हमारी सोसाइटी में? सर हमारी 10 को ओपनिंग थी और चल रहा था, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वैरायटी आई है, और अभी सोसाइटी में कोई ब्रांड भी नहीं है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला यहाँ पर यार, बहुत हो तो भैया। आपको यहाँ पे हर चीज मिलेगी, यहाँ पे हमारे पास पावर में शूज है, उसके अलावा स्पार्क्स में ठीक है, नो स्टार है, लेडीज है। यार क्या प्राइसेस हैं तक सर? ये 8,000 का। ये कौन सा है? ये सर है पावर का ही, पावर लाइट वेट सोल है। यार ये कैसा जा रहा है ये ब्रांड? मैंने मतलब उतना यूज नहीं किया इसको, टू बी ऑनेस्ट। इस जूते की ग्रिप बहुत अच्छी है, और स्पोर्ट्स के लिहाज से, कम्फर्ट के लिहाज से बेस्ट है, आपको ट्राई करके भी देख सकते हैं, बहुत बेस्ट है यार। इसकी क्या प्राइस है? इसकी सर 8,000 है। और स्केचर्स कहाँ हैं? स्केचर में मैं आपको दिखाता हूँ, स्केचर में बड़ी अच्छी वैरायटी है, 4 आर्टिकल हो गए, माशाल्लाह हमारे 3-4 पे सेल भी हो गए। यार ये कुछ मेंस हजरात हैं, ये कुछ लेडीज़ हैं, ये ख़वातीन के जितने भी आइटम्स वगैरह लगी वो बचा बोल रही है। स्केचर का तो मुकाबला ही नहीं है यार, स्केचर्स लिटरली यार पहने के लगेगा लेदर दुनिया। मैंने स्केचर्स यूज किए यार, बहुत बेस्ट है, ये सालों साल चलने वाले, बहुत बेस्ट है यार। इसके अलावा डिजाइन इसमें है? इसके अलावा डिजाइन मेरे पास ये पड़ा हुआ है वाइट में, सही है, एक ये डिजाइन है, उसके अलावा ये अच्छा यार, ये जरा लड़के पसंद करेंगे। इनकी क्या प्राइस चल रही है? 30,000। ओ मैं नो पढ़ो, स्केचर्स वाकई एक्सपेंसिव है वो, ये जो पहनने वाला सर आप जहाँ से भी लेना वो एक्सपेंसिव ही पड़ता है जी। दुबई से मंगवा लें आप या कहीं और से मंगवा लें, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यार इसका सोल जो है ना वो मुकाबला नहीं है, आप एडिडास के शूज़ देख लें, वो 70,000 50,000 80,000 तक उनकी प्राइस चल रही है मोस्टली। लेकिन अगर आप उसके देख लें, नाइकी के देख लें, वो भी महंगे हैं यार, लेकिन फिर भी उसके ऐसे कीमत प्राइस कम है, लेकिन कंफर्ट का बहुत कम्फर्ट अच्छा है। बाकी सोसाइटी वालों में डिस्काउंट चल रहे हैं? डिस्काउंट था 10 तारीख को चला था डिस्काउंट, अभी फ़िलहाल लोक हो गया, पर ये अगर आप लेके आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कर जी जी प्लीज़ प्लीज़ बताइए। उसके अलावा मेरे पास मेडिक्लेयर में काफ़ी अच्छी वैरायटी, ये मेडिक्लेयर ब्रांड है बाटा का, ओके ये आ जाता है मेरे पास फैंसी में, ठीक है बिल्कुल सही। इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आउटफिट है, इसमें मेरा सिल्वर कलर है, पीच कलर है, और ये भी इम्पोर्टेड जूता है हमारा, मेड इन यू एस ए, बेहतरीन बेहतरीन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मेरे पास मेडिक्लेयर का बैग भी पड़ा हुआ है, और लेडीज़ की पम्पीज है, वो कसिनो पड़ा है मेरे पास, रेड लेबल पड़ा हुआ है, बेस्ट हो गया यार। और बच्चों की यहाँ पे बच्चों की ये वैरायटी लगी मेरे पास बदल जा, बहुत बेस्ट हो गया यार। बस यार ये बी फर्स्ट और पावर बेस्ट, ये स्कूल बैग्स हैं जी जी, ये स्कूल बैग। इनकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी जबरदस्त है। और प्राइसेस क्या है इनकी? प्राइसेस सर इसकी है 3700। अच्छा मेंशन नहीं की आप लोगों ने प्राइसेस? मेंशन होती है, ओके ओके, मेंशन होती है, इनसाइड होती है, बैग के अंदर होती है। बेहतरीन बेहतरीन दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने यार,
ऐसे ही यार घर के पास एक चीज़ मिल रही है अगर आपको, घर भी आपने साथ साथ दिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यार, ऐसे ही है नहीं बेस्ट है यार ये असल में ये काम की चीज़ है डेली रूटीन में एग्जैक्टली। क्या प्राइस चल रही है इनकी यार? डिफरेंट है, 1000 का भी पड़ा हुआ है, 800 वाला भी पड़ा है। ये पानी वगैरह से ख़राब तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये पानी में पहनने में रहेगा। और ये यार इसी क्या प्राइस है? ये 9000 नरम लगा है, 1200 का। यार ये टूट तो नहीं जाएगा ज़्यादा जल्दी? ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं ये बाटा का बहुत ही पुराना, और अभी स्टिल चल रहा है। सबसे ज़्यादा सेट ही जी होता है जो आपने पकड़ा हुआ, ये अच्छा वाला आर्टिकल। इसमें दो कलर मेरे पास पड़े, उसके बाद एक ये कलर है, ये बहुत प्यारी चीज़ है। इसमें मेरे पास ये ग्रे हाँ, ये तो मुझे लगता है फोर एवर है ऐसा ही। एग्जैक्टली नहीं यार, अच्छा है यार। मैं सुना टू बी ऑनेस्ट एक दफ़ा ही पहले आया हूँ, मैंने इस तरह विजिट डिटेल से नहीं किया था, लेकिन मैं आज मैं देख रहा हूँ तो चीज़ें काफ़ी बेहतर लग रही हैं। एग्जैक्टली और मैं आया था एक्चुअली उस दिन ओपनिंग थी, अच्छा, और रात बंद हो चुका था, मैं ज़बरदस्ती एंटर हो गया था। 10 बजे का टाइम था मोस्टली, तो दोस्त साथ आया था मेरे। उसके अलावा ये मेरे पास रेड लेबल की वैरायटी, ये रेड लेबल है, क्योंकि होता है ना मोस्टली जो पता नहीं अलनासिर समथिंग ब्रांड है, अलनासिर या पता नहीं क्या है, मेरे उनका एक्सपीरियंस भी रहा है सोल बैठ जाते हैं जल्दी। सोल सर डिपेंड करता है, जो ये सोल देख रहे हैं ना ये रबड़ सोल है। Exactly. ये समझ लीजिए कि इतना कंफर्टेबल होता है कि आप 10 से 12 घंटे इजीली इसको पहन सकते हैं। अपर जो इसका लगा हुआ है प्योर लेदर में चमड़े में, और इंजेक्टेड मोड पे सारा बनता है, ये जूते की सिलाई होती है अंदर, बिल्कुल सही, ये उखड़ता भी नहीं। अगर कोई मसला आ जाए हम उसको क्लेम भी कर लेते हैं और रिपेयर भी कर लेते हैं, अब तक कोई इशू ऐसा है नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मोकोसिन मेरे पास पड़ा हुआ, ये मोकोसिन लेदर ब्रांड है, रेड लेबल लेदर है, मोकोसिन लेदर। बेहतरीन बेहतरीन, ये तो यार जो हर बंदे की अपनी चॉइस है, कुछ लोगों के लिए बड़ी पसंदीदा चीज़ है ये, मेजोरिटी लोग पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, यार ये बाटा का टूर था, मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। जनाब आला खुश रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत ही बड़ा, थैंक यू, अल्लाह। दोस्तों यार वो भाई नंबर शंबर देने आ गए थे अपना, तो अब मैंने कहा उनका नंबर शंबर ले लूँ, अब मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, मुश्किल है यार, कार पे चली जाए भाई, ये बातें तो याद हो गई हैं यार। ये बाटा तक कुछ सोसाइटी में है कुछ, मतलब अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, भला भला करे सिनेमा। सिनेमा यार जब से खुला है, मैं एक दफ़ा उधर गया था जब फर्स्ट टाइम मूवी, फर्स्ट डे था, ओपनिंग का था फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा दोस्त दानियाल और मैं अंदर घुस गए, फ्री में मूवी देखे आ गए थे मौला जट। बाकी यार ये मैं ज़रा ड्रेसिंग चेंज करता हूँ, मेरे लिए इस तरह संभालना भी आसान हो जाएगा। ये चीज़ यार, ये लेफ्ट पे ग्रीन फार्मेसी है और राइट पे तालिब फार्मेसी है, ये सेंट्रल पार्क टीची हॉस्पिटल है। दोस्तों अल्लाह बख्शे मेरी मामा को, 9 मंथ्स हो गए, इट्स बीन 9 मंथ्स नाउ विदाउट हर, वो जा चुकी हैं दुनिया से अल्लाह पाक के पास। वो 2 हफ्ते हम दिन रात इस हॉस्पिटल में रहे, 2 हफ्ते दिन रात हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, इंतहाई सेहत बख्श और मरीज़ों को ठीक करने के लिए निज़ाम चल रहा है, इंतहाई सेहत बख्श। ये परेशान भाई बैठा हुआ है, ये अलमोगनी स्टोर है, हॉस्पिटल है यार, ये यूनिवर्सिटी भी है एक्चुअली, आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है भाई, जिसके बाद बहुत पैसे हैं MBBS करने के लिए वो करे, सो बिस्मिल्लाह करे। ये जी कैश एंड कैरी स्टोर है, बिल्कुल सामने सिनेमा है, ये आपको खुला डुला जो आपको एयरपोर्ट रोड नज़र आ रही है ना पूरी खुली डुली सी, छोटा सा एक कमर्शियल फ्लाइट और F-16 यहाँ पर लैंड हो सकती है। तो यार ये रोड जो है ना, प्राइवेट जेट भी लैंड हो सकता है वैसे। ये यार ये हॉस्टल है उन स्टूडेंट्स का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सारी पीछे सर गेट चला गया, वापसी में गेट शेट दिखा दूंगा सही तरह से। यहाँ पे दरख्त ही दरख्त है और ये सारा फुटपाथ है, ये जो आपको बीच में नज़र आ रहा है ना, तो ये तोड़ दिया है, सिनेमा बंद नहीं खुला हुआ है, मुझे डर लगा मैं सोसाइटी में तरक्की होना बंद हो गई है, भजन ये सिनेमा आ गया है। और भाई आपका सिनेमा के दरवाजे के मुँह के बाहर गाड़ी पार कर रहा है, मेरा नहीं खाली आप अलाउ करते हैं, लेकिन खैर है खैर है, अपने लिए सब अलाउ है। अब भाई दिखा रहे हैं यार, कोई आसान थोड़ी है भाई, बहुत रोले हैं। कैमरे के लिए स्टैंड लेना पड़ना है, स्टैंड नहीं, एक ऐसा बटन मेरे हाथ में हो जो ना, बोलो देखो जरा यार कैमरे के आगे हाथ आ गया था, जो मुझे मेरे सेंस समझ आए कि मुझे कब कैमरा चेंज करना है कब नहीं करना, अल्लाह करे ऐसा भी कैमरा आ जाए। भाई ये सिनेमा में मेंटर होने लगे हैं,
और देखी जाओ बॉक्स ऑफिस आ गया है, करण जौहर सामने खड़ा हुआ है, बॉक्स ऑफिस का दरवाज़ा है यार ये अंदर से है, ये शॉर्टकट है फॉर स्टूडेंट्स, ये तो उस वजह से हॉस्टल का दरवाज़ा है ताकि जो बच्चे पढ़ाई पढ़ी करके थक गए हैं वो आ जाएं। ये ओ हल्क देखो ये कौन सी मूवी है यार, शाज़े सईद, ओ माय गॉड, बहुत लेता है बजट में बनी मूवी। ये आ गई जी मूवी 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 मूवी, ये पाकिस्तानी मूवीज़ देखनी चाहिए यार, नहीं ये पाकिस्तानी नहीं लग रही वैसे, चलो इंडियन एक्टर है वो, अगली भी है आगे अंदर जाके देख लेते हैं, लाइटें चल रही हैं, मुझे उम्मीद है कि कायम दायम होगा यार। माजर चाहूँगा वीडियो मेरी बंद है, वो कह रहे बंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ओपन है सिनेमा यार जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली ये व्लॉग बना रहा हूँ तो मैंने अपनी सोसाइटी को विजिट सारा दिखाना था, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में सिनेमा भी है जी। तो यार ये आज कौन सी मूवी चल रही है? मौजा ही मौजा ने फिर आज। तो मेरे भाई ऑन है सिनेमा वगैरह, यानी कि मैं फर्स्ट आज का मैं पहला कस्टमर हूँ। अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं अभी आप पहले ही आए। अच्छा अच्छा, और ये सिनेमा टाइमिंग क्या है ओपनिंग क्लोजिंग की? 3:30 बजे से लेके रात 10 बजे तक। और वीकेंड्स में सेम टाइमिंग है 3:30 बजे से रात 10, यानी कि जिसने 12 बजे शो देखना हो 11-12 बजे का सीन नहीं है। बाकी यार खाने पीने में क्या हुआ? अच्छा आपस की बात है, ये सब फ्रेश होता है ना जी? फ्रेश आपस की बात, कोई यहाँ देख नहीं रहा नहीं। अच्छा यार स्नैक मेन्यू है, मुंचीज़ हैं, हॉट ड्रिंक्स हैं, मैं अंदर से सिनेमा देख सकता हूँ हॉल? बहुत शुक्रिया यार। असल में ये मेरा सोसाइटी के विजिट के वाले से फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरा जो घर है ना, जो पट्टी है हमारी पूरी, मैं उसको तो कवर कर लूँ वीडियो में। बाकी भाइयों ये सिनेमा है यार, ये इस टाइम मोजे मोजा मूवी लगी हुई है, ये रेस्टिंग एरिया है, जो भी वॉशरूम वगैरह है, ये डिसेंट सा सिनेमा है। और ये हम एंटर हो रहे हैं सिनेमा हॉल में, मैं ज़रा फ्लैश ऑन कर लूँ। ओहो मेरा तो कैमरा ही अखीर है। नहीं यार जी प्लीज़ लाइट्स ऑन कर रहे हैं। नहीं यार कैमरे को क्या हो गया यार, ये चीज़ खूबसूरत हो गया यार, कमाल है। मैं इस सिनेमा में आया था जब ये ओपन हुआ था, उस दिन आया था मैं, मौला जट मूवी लगी हुई थी यहाँ पे जी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा था और माशाल्लाह बहुत रश था। भजन कैसा जा रहा है ये यहाँ पे सोसाइटी में एक्सपीरियंस सिनेमा का? जी अच्छा जा रहा है, मूवीज आ रही है, बिल्कुल न्यू आ रही है। अच्छा बेहतरीन यार, लाइट्स ऑन हो सकती हैं आगे? लोगों को मैं हॉल दिखाना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन कितनी है इसमें और फैमिली कैपेसिटी कितनी है। सुनो यार मैं तो बस लाइट ऑन करके आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ यार, ये फ्लैश में उतना सीन नहीं आ रहा मुझे, वैसे रियल में नज़र आ रहा है, लेकिन ना उसकी मेहरबानी देखो यार, अगला कितनी सपोर्ट कर रहा है। भाई एसी उसी का यहाँ पे फुल चिल है, साउंड सिस्टम बेस्ट है। मैं मूवी देखने आऊँगा किसी दिन तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर लूँगा, तो उसी की टेंशन नहीं लेनी। चलो भाई किधर रह गए हो? एसी जितनी भी आपको रेड लाइट्स नज़र आ रही हैं, नहीं सुना नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, ये सारे के सारे ना चिलर्स लगे हुए हैं। बट अगेन यार बहुत बहुत खुला डुल्ला बेस्ट सिनेमा है, बेस्ट है यार हर लिहाज से बेस्ट है। लेटेस्ट मूवीज़ आ रही हैं, ये चीज़ भाई, ये एंट्री है, ये अपना फुल हॉल है, फुल हॉल देखो यार कैपेसिटी देखो, और ये नीचे तक पूरा पूरा हॉल है भाई। ये स्क्रीन है, बहुत है यार। मैं और दानियाल आए थे, हम यहाँ पे आई थिंक किसी रेड या ब्लू में ऊपर बैठे थे, और जब फर्स्ट डे था ओपनिंग का, मौला जट मूवी लगी थी, जो चिलिंग सीन है यार, ये सारे के सारे चिलर्स लगे हुए हैं आप लोग अंदाज़ा कर लो। और साउंड सिस्टम बहुत बेस्ट है, साउंड प्रूफ बेस्ट है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में, तो मैं बता सकता हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह। इस सोसाइटी यार अपनी यार इसको कामयाब करना है, अल्लाह ताला पूरे मुल्क को कामयाबी दे इसी तरह। आए हाय मज़ा कल्ला ही सिनेमा में हो भाई, हॉलीवुड मूवीज़ में नहीं दिखाते अब अकेले पूरा बुक करके बैठे होते हो, तो आए 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 एक अलग ही फील है यार। मैं कभी वैसे सिनेमा में भी वो जो मेमो मालम पे है उस पर आया हूँ मैं, लेकिन ना इतना आगे मैं कभी इस तरह खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर आवाम ही वहाँ बैठी होती है, और आगे वो बैठे होते हैं शोखे जो हैवी टिकट खरीद के बैठे होते हैं। पता नहीं इसमें वो VIP सीट्स यहाँ पे कहाँ बनेंगी, उसका आइडिया नहीं, वो मेरे खास से ब्लैक वाला, नहीं ब्लैक वाले सारी ऊपर से लग रहे हैं। चलो यार यार ये स्क्रीन है, अब मेरी दिल तो कर रहा है मैं इसके ऊपर भी चढ़ जाऊँ, लेकिन नहीं यार ज़्यादा बदतमीजी हो जाएगी ये।
ठीक है भाई, देख रहे हैं। चलो यार वापस, भाई सिनेमा बहुत फुल है। भजन किधर हो? हॉलीवुड मूवीज का जरा पूछ लें कि हॉलीवुड लग रही है या नहीं। बहुत बेस्ट है यार, खुश हुआ दिल से। लिटरली फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, रश बहुत था और अंधेरा था, मूवी चल रही थी, चलती मूवी में एंटर हो गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये असल में पॉइंट था। दाने साहब आए, खामोशी से हम जाके बैठ के मूवी देखी। भजन हॉलीवुड मूवी चल रही है इस पर नहीं? वैसे अलाउ है यहाँ पे कि हॉलीवुड जो आएगी? अच्छा अभी कौन सी चल रही है? सिर्फ बॉलीवुड और साथ में लॉलीवुड हमारी जो पाकिस्तानी है। ठीक है, और अपकमिंग मूवीज कौन सी आ रही है यहाँ पे जो कि थोड़ी फेमस होंगी, लाइक समथिंग? अभी न्यू आ रही है सरदारा ऑफ सन, ये एक पंजाबी है। जी पंजाबी है। ठीक है ठीक है, ये 27 को आ रही है। और यार यहाँ के ओनर कौन है ये जो सिनेमा है? यहाँ के जो ओनर है बी एस साहब हैं, बी एस साहब। ओह ग्रेट ग्रेट, तभी टेंशन नहीं है। फिर तो भाई तरक्की करेगा ही करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि यार बड़ा यार खुशी हुई यार। मैं आज फर्स्ट टाइम हॉल देख रहा हूँ, पहले जब आया था यहाँ पे अंधेरा था क्योंकि वो मूवी चल रही थी और चलती मूवी के दौरान हम आए थे, रश भी काफ़ी था। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, क्लासिकल है, मज़ा आया। भजन आपके साउंड का तहे दिल से शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहे। मैं इंशाल्लाह मूवी, ये किस दिन मूवी न्यू लग रही है? मैं एक्चुअली संडे वाले दिन मोस्टली फ्री होता हूँ या सैटरडे को। इस वीकेंड में तो कोई भी आ रही है, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड में आएगी अच्छी मूवी। चले बहुत शुक्रिया यार, खुश रहे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके भाइयों, यार ये अपना सारा सिनेमा है, ये अगेन देख लो यार, अल्लाह करे यहाँ पे हॉलीवुड मूवीज़ लगें जो कि क्लासिकल मूवीज़ हैं। भले इस पे कोई चॉइस रख लें ये लोग कि क्लासिकल मूवीज़ दिखानी है, हर लल्लू पंजू नहीं दिखानी, लेकिन ना खुशी हुई यार। ये स्टूडेंट्स के लिए शॉर्टकट अगेन, जो बेचारे पढ़ पढ़ के थक जाएँ वो सीधा के मूवी देख लें। एक बस मैं एक बात कहूँगा कि रोला ये है कि सिर्फ पंजाबी मूवीज़ दिखा रहे हैं। उससे वो सामने सीन देखो, अब मैं आपको इसके पास लेके जाऊँ। सही है, फिर ओवर चला रहा है अगला। ये मेरी छोटी सी रोल्स रॉयस खड़ी हुई है, तो ये बड़ा खुला डुला काम कर दिया उन्होंने जस्ट फॉर सिनेमा के यार लोग आएँ और अप्रिशिएट करें, मतलब आएँ यूज़ करें, कामयाब हो। और बाकी ये बस यार यही यही निज़ाम है। बैटरी मेरी फुल डाउन हो रही है, वो इसलिए क्योंकि मैंने फ्लैश ऑन किया था, अब ऑफ खुद ही हो गया। अल्लाह अकबर, चले यार घर। बस यार वो चल जाना, किधर रह गई है? होसेल है, होसेल है। बाकी जाके यार छोटे भैया के चाय बना यार, बड़ी होगी, और फिर मैं अपना व्लॉग एडिट करना स्टार्ट करूँ। और मैं कोई बात हो, मंडे से ना मुझे एक ऑफर आई है काम की, जॉब की, निकारगा इसमें निकारगा से एक कंपनी है लाहौर में, स्टार्टअप है एक्चुअली, सेम लाइक सैगल मोटर्स, तो उसका आप लोगों का आइडिया होगा। माशाल्लाह वो कामयाब है, हमारे लोकल ब्रांड से अल्लाह तआला सबको कामयाबी दे, बहुत कामयाबियाँ दे। बाकी यार ये भी कुछ साइट पे टूचकुने हैं, एरियाज बनी हुई हैं, और फिलहाल यार आज के लिए ये एरिया ही दिखा पाऊँगा। इसके बाद मैं फिर अभी वालदा के पास जाना है, कब्रिस्तान जाना है यार, फातिहा पढ़ के आनी है, हर रोज़ जाते हैं हम। और इसके अलावा ये मेरे वाले साहब ना यार इस रोड से नहीं गुजरते, बकरा ईद पे छोटा भाई गाड़ी चला रहा था, नमाज के बाद हम कब्रिस्तान गए, पहली मरतबा देखो ज़िंदगी देखो हम भी नमाज के बाद कब्रिस्तान गए। हमेशा सुनते आते थे कि हम बड़े या कोई भी रिश्तेदार नमाज के बाद कब्रिस्तान जा रहे हैं, हम भी गए, फिर अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है। तो छोटा भाई ना यहाँ से ले आया रोड, वाले साहब यहाँ नहीं आते क्योंकि हॉस्पिटल है, और वो मामा की वजह से ना वो बड़ा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। हम उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कोशिश कर रहे हैं लिटरली। और ये आ गया अपना बाल्टा 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 यार, ये कोई ऊपर कोई समथिंग खुला हुआ, अब दिखा दे कैमरा टेढ़ा पेढ़ा हो रहा है, दिखा दे ये ऊपर कोई खुला हुआ यार कैफे कूफे है, कूजी अलीम, कूजी कूजी
एच बी एल है, बैंक्स हैं और भी यार, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और मिजान के अलावा बैंक सारे हैं सोसाइटी में, लेकिन वो उस तरफ हैं। कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर ले आऊँगा, आगे चला जाऊँगा। अभी थोड़ा टाइम छोड़ा है मेरे पास, जो मैंने अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है, कुछ पीता हूँ खाता हूँ जाके जिम जाने का टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद अल्लाह भला करे खजूरें शजूरें खा लेता हूँ यार, यही हो सकता है भाई। वो जिम वाली सीरीज चल रही है, छोड़नी नहीं है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये अगेन फुहारा वो अभी तो चला नहीं है भाई, किधर आ रहा है वन वे? मैकडोनल्ड भी आ रहा है भाई, बहुत कुछ है, 10% ऑफ लगा हुआ है, जो भी बीमार होना चाहता है 10% ऑफ पे हो जाए, 10% ऑफ लगा हुआ भाई। ज़्यादा ही नीचे इन्होंने किया होता है, डर लगता है गाड़ी लगनी ना जाएगी। बाकी भाइयों ये कहानी है छोटी सी, जिम के लिए रेडी हो जाओ यार, जिम का व्लॉग भी आ जाएगा, ये भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगा, ऐसी की तैसी। बाकी यार ठीक है, फिर इतना ही था आज के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बस घर जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, जिम के लिए अलग व्लॉग बनाना है, तो मोबाइल चार्ज दे, ठीक है यार, दुआ में याद रखो और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।